चीज 7, 11, 13 ये चीज आई। नॉर्मल एक्स स्क्वायर क्यूब्स टेबल, टेबल एटलीस्ट याद कर लियो 20 तक तो होनी होनी चाहिए। जैसे और एक आदत डालने के लिए बताऊंगा स्पेशल, जैसे नॉर्मल एक ऐसी आदत डाल लो ना, अभी भाई पूछा तो उसको बता रहा था तुझे 28 दिख रहा है, तो दिमाग दिमाग हमने करने लग जाए कि 28 को 18 से गुणा करना है तो कैसे होगा, तो अब इसको कैसे करना है 28 18 करनी है, तो 28 को दिमाग दिमाग में तोड़ो कैसे 14 तोड़ सकते हैं। अब 14 की टेबल आती है तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है। अब अगर मान लो 28 into 58 था, 28 into 58 था, तो 28 को 14 में तोड़ के 58 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। अब ये चीज सिर्फ दिमाग में काम नहीं है, ये एग्जाम टाइम में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं, हर इंसान हड़बड़ाता है, तो उस टाइम पे इतना नहीं हो पाता कि हम दिमाग दिमाग में, यहाँ पे तो हो जाता है एग्जाम टाइम नहीं हो पाता, लेकिन इस चीज का फायदा ये हो जाता है कि तुम्हें इतनी अच्छी आदत हो जाती है कि आप दिमाग दिमाग में यूं कर लेते हो कि यार मैं 14 को 2 से जल्दी गुणा कर लूंगा, और डबल करने में चीजें बहुत आसान होती है, ट्रिपल करने में चीजें बहुत आसान होती है, जो मल्टीप्लाई करना इन चीजों को तोड़ तोड़ के करना सीखो, ठीक है। 7, 11, 13 वाला मैं इसलिए बता रहा था, वो चीज मेरे को यूं लगी कि अगर किसी बच्चे में अच्छी वो है ना स्ट्रेंथ है ना किसी बच्चे की, वो तो 100 क्वेश्चन में से 10 जगह उसको अप्लाई कर सकता है, पक्का अप्लाई कर सकता है कि ऑप्शन में 7 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल हो, 13 का मल्टीपल हो, ठीक है। और क्वेश्चन करो ना तो यूं नहीं है कि उसका आंसर आ गया, मान लो तुमने निकाल दिया, मैं पहले ये चीज मानता था लेकिन मेरे को मतलब यूं लगा जब मैंने खुद से सोचा ना, मैंने मेंस के अंदर मतलब थोड़ा यूं नहीं है प्री और मेंस मेरे यही सुधार हुआ, मैंने थोड़ा लॉजिकल चीजें ज्यादा सोची कि यार मैं इसमें इसमें यहां सुधार कर सकता हूं इसमें, हाँ मैंने ट्रिक नहीं रटी, ये चीज मैं गारंटी दे सकता हूं, मैंने पहाड़े रटे होंगे, पहाड़े तो मतलब याद ही यार अपने थोड़े गांव में ही ज्यादा है, स्कूल में यही तो सिखा रहा है, और इसके अलावा स्क्वेयर क्यूब वगैरह याद हुए थे स्क्वेयर। अब जैसे कई जगह काम आ जाती है, मान लो तुम CASI करोगे ना तो 8% रेट है, मान लो 3 साल के लिए लगवा रहा है, 27 का क्यूब काम आएगा, 27 का क्यूब याद रखो तुम बिल्कुल 1983 है शायद, 1983। और तो यूं ये चीजें बहुत काम आई। अब ये तो क्यूब्स वगैरह 30 तक जरूर याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा कोई पूछना चाहे तो पूछ लो यार, मैं थोड़ा जीके की देखो भाई, जीके की हर एक मतलब अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चलना, जैसे यू है कि जीके में कोई ल्यूसेंट से पढ़ सकता है, कोई हरिहंत वाले मनोहर पांडे से पढ़ सकता है, कोई टीचर के नोट्स वगैरह से पढ़ सकता है, तो वो मर्जी आपकी, आप जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना जिससे शुरुआत किया ना वहीं पर खात्मा करना है। यू नहीं है कि ल्यूसेंट से पढ़ लिया वो पढ़ लिया, हाँ यू कर सकते हो कि भाई मैं फिजिक्स इससे पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री इससे पढ़ लूंगा, अब ये नहीं है कि पहली बार फिजिक्स ल्यूसेंट से पढ़ ली फिर बाद में लगा 15 दिन बाद अब तुमने फिजिक्स भूल गया तो अब मैं ल्यूसेंट से नहीं पढ़ूंगा, मैं मनोहर पांडे उठाऊंगा पेपर के टाइम पे, तो ऐसा मत करना। उसके अलावा जीके में यूं है कि प्रीवियस ईयर का रोल है अब भी है लेकिन बस रैंडम सी हो गई अब, क्योंकि अब भाई कहते पाकिस्तान को पूछ लिया, कहते बांग्लादेश को पूछ लिया, तो लेकिन इतना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के 15 क्वेश्चन नहीं आने वाले पेपर में, कोई इक्का दुक्का आएंगे उनको छोड़ देंगे, और करंट का इंपोर्टेंस बढ़ गया तो करंट भी पढ़नी पड़ेगी, करंट वही अपने जीके टूटे हो जाएंगे सर यहाँ अवेलेबल करा लेते हैं वो देख लेना, ठीक है। और वाइट स्टडी अच्छा था, मैंने वो वाइट स्टडी फॉलो किया था, उससे ज्यादा अगर कोई मैंने तो बिल्कुल फ्री दिला सी, अगर कोई ज्यादा ही वो चाहे ना कि यार मेरे को तो पूरा एक एक ठीक होना चाहिए तो IBPS गाइड की PDF होती है 60-65 पेज की, वो रट लेना उससे बाहर नहीं आएगा। उसके अलावा बताओ जीके में कोई सब्जेक्ट वाइज पूछना चाहता है मैं वो भी मतलब मेरे अकॉर्डिंग बता सकता हूँ, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग अपने अनुसार ठीक करना, जो तुम्हें ठीक लगेंगे यार हिस्ट्री इससे ठीक पढ़ पाऊंगा मैं तो हिस्ट्री में इससे पढ़ूंगा, अब वो फाइनल हो गई। अब यू नहीं है कि भाई साहब अब ऐसा मत करना, जैसे मैंने किया था जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में उठा ली, मैं क्या होता था एक दिन तो मेरे दिमाग में आ जाता था भाई 200 चाहिए, और एक दिन फिर अगले दिन औकात याद आती थी तो उस दिन यूं लगता था यार 150-160 तक पहुंच रहे पहला 200 के बाद में सोचने वाली बात है, तो जिस दिन 200 आता उस दिन मैं उठा ली मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री, तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कि एक एक लाइन रटनी है गलती तो बात क्वेश्चन आगे तो एक एक चीज में इतना मत डूब जाना कि भाई साहब पागल ही हो गए, तो जीके को आखिर के 3 महीने में आप आराम से खींच सकते हो, आखिर के जो 2-3 महीने हो गए उसमें, और सर तो दड़ा का टेस्ट लेते हैं आखिर में तो वो अपने आप बन जाएगी आपकी, अगर आखिर तक यही बने रहोगे ना तो मैं गारंटी करता हूँ जीके में आराम से मतलब 50 में से 30+ तो हर बंदे के आएंगे, अगर कोई यहाँ पे सारे टेस्ट ले लेता है वो पढ़ के दे लेता है, बिना टेस्ट तो कोई भी दे लेगा, मेन जरूरी है कि पढ़ के दे लेगा, तो 30-40 पक्का जाएंगे, बाकी जीके में है लग फैक्टर है लेकिन सिर्फ 5% है, उसके अलावा मैं तो ना मानता भाई, ठीक है। उसके अलावा बताओ भाई मनोहर पांडे सर रिसेंट वो छोटी भाई इंटरव्यू में हाँ मनोहर पांडे छोटी वाले की क्या है भाई की जैसे मेरे अकॉर्डिंग उसकी मतलब उसकी पता क्या है जीके का सार अच्छा सिखा देती है वो, अब जैसे मैं ल्यूसेंट पढ़ने लगा तो मेरे तो 7 दिन निकल जाऊंगी लेकिन ल्यूसेंट याद नहीं होगी मेरे,
तो मेरे लिए, मेरे जैसे के लिए वो किताब ठीक है। मैं वो फिर बोल रहा हूँ कि हर बंदे के ऊपर बंदे डिपेंड करता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग करना। हाँ स्टेटिक जीके कोई अच्छी से मतलब वो देख लेना, स्टेटिक जीके मनोज पांडे की भी अच्छी नहीं है। बाकी अगर किसी को अगर पढ़नी हो ना ऊपर ऊपर से मतलब चीजें सीखनी हो, जैसे हमारा क्या होता है, हमने छठी सातवीं आठवीं पढ़ी जिस आगे किताई, उसके बाद से हमने बुक ही नहीं उठाई है हिस्ट्री जियोग्राफी की, जो साइंस वाले उनकी तो खास कर, तो उनका ही होता है कि एक बार मनोज पांडे को खाली बैठे मतलब यू रीडिंग ही मारोगे ना, तो उससे मतलब चीजें पता लगने लग जाएगी कि ये चीज कब थी, ये चीज कब, और उसमें से क्वेश्चन आते हैं तो उसको पढ़ लोगे ना तुम्हें क्लियर लगेगा उसमें से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ठीक है, और बताओ भाई इंग्लिश के लिए। देख भाई इंग्लिश के लिए मतलब कौन से पार्ट के लिए कैसे, देखो भाई वो कैप के लिए जैसे आजकल ब्लैक बुक चल रही है लोग वो कैप के लिए, तो वो ब्लैक बुक खूब अच्छी है, लेकिन इंग्लिश के लिए ये चीज ध्यान रखना कि वो बुक पढ़ना या वो चीजें पढ़ना जिसमें साथ में वर्ड के मीनिंग के साथ कुछ एग्जांपल दे रहा हो आपको, ताकि एक लाइन से आप कनेक्ट कर पाओ, जो जिसको एक तरीके से बोलते हैं कोलोकेशंस, कि फिर क्या होगा कि आप इतने इतने वर्ड्स पढ़ लोगे, इतने लाइंस पढ़ लोगे ना कि एग्जांपल मतलब एग्जाम में कोई क्लोज टेस्ट आ गया ना, तो उसमें आगे तो आप ऐसे ही पकड़ जाओगे यार ये सेंटेंस तो वहां पे पढ़ा हुआ था, तो ये सीधा यूं ही बैठेगा, तो आधी चीजें वहीं से क्लियर हो जाती है। सबसे पहला था ये, ठीक है। वो कैप का यूं है भाई कि इडियम फ्रेजेस का यूं है कि मेरे मानना तो हिंदी में मत पढ़ना इडियम, और उसका हिंदी में जैसे एमबी में जो है मतलब मैं ना कर मेरे अकॉर्डिंग ना करने वाली चीजें बताऊंगा। उसके अलावा यूं है कि जितना वो कैप को टाइम दोगे उतना इंग्लिश में अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ग्रामर का यूं है, ग्रामर अब नित्तू सिंह हर इंसान को बोरिंग लगती होगी, पहली रीडिंग में किसी को नहीं लगती, दूसरी रीडिंग तीसरी रीडिंग में सबको बोरिंग लगती है, लेकिन उसकी तीन रीडिंग तो मस्त है, उसकी तीन रीडिंग, उसके बाद प्रीवियस ईयर के कम से कम 1000 क्वेश्चन, ठीक है। अब 1000 क्वेश्चन करोगे ना उसके बाद तुम्हें आने लग जाएगा कि यार ये गोलमोल है और ऐसे चीजें पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद नित्तू सिंह की भी लगभग 3 रीडिंग पूरी मार लो ना तो चीजें याद हो जाती है, और इतना कर लोगे तो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, फिर आप अपने आप धीरे धीरे चीजें बढ़ाने लग जाते हो। यार नित्तू सिंह पढ़ लिया है, अब मैं देखो नई चीज पढ़ोगे, मान लो नित्तू सिंह बाद तुम्हारा ध्यान आया कि भाई अब कॉमन एरर पढ़ने का, मिरर ऑफ कॉमन एरर पढ़ने का टाइम आ गया, कहीं होगी स्टार्टिंग में भी वही होती है, कोई लेट उठा रहा होता है, तो अगर मिरर ऑफ कॉमन एरर पढ़ रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगर तुमने पढ़ रखी है ना कोई चीज ज्यादा ज्यादा 20 मिनट लगेगी, आधा घंटा लग जाएगा, एक बार जो पहले पढ़ा हो ना उसकी फटाफट रीडिंग मार लो, वो चीज क्योंकि दिमाग में इम्प्रिंटेड है और वो और अच्छे से इम्प्रिंट हो गई ना, तुम अच्छा ही करके आओगे एग्जाम में। और बताओ भाई दूसरी बात, देखो फ्रेजल वर्ब का सीधा है, फ्रेजल वर्ब सीधी किसी को याद नहीं होती, 2 दिन याद होती है, कॉल एट और याद होती नहीं है, ठीक है। तो बस यूं है कि एक मैं बोल रहा हूँ ना, ये सेंटेंस की तरह याद कर लो उसको, एसपी वर्ब सीधे पढ़ोगे, आज के टाइम में मार्केट में फ्रेजल वर्ब के लिए बेस्ट एसपी वर्ब ही बताते हैं, ठीक है। तो कॉल एट, फिर उसके बाद शायद कॉल एट यू प्लेस ऐसा कुछ होता है, सिर्फ एक बार पढ़ लो कि कॉल एट का मतलब ये होता है, ठीक है, मतलब ये होता है, लेकिन इसके बाद की जो चीज है ना उसको बार बार उसको रीड करो, ताकि बस एग्जाम में वही चीज मिलती याद है और आपको आदत हो जाएगी ऐसा, और ना कोलोन कोलन यू यू करके मतलब सेंटेंस के साथ चीजें पढ़ो याद हो जाएगी, वो याद नहीं होगी ना, इतना मैं श्योर बता रहा हूँ कि तुम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो अपने आप स्किप होगी, माइंड मोशन हो ही जाएगा अपने आप दिमाग में, ये चीज जीएस में होती है कि जितने रिवीजन मारते चले जाते हो ना तो अपने आप खुद पता नहीं चलेगा, जिस अब देखना जो चीज ज्यादा पढ़ा होता है उससे पूछोगे तो यू नहीं कहेगा कि ये चीज याद है मेरे को, यू कहेगा भाई मन तो मतलब बस नो ही ला यू ही ऑप्शन ला दो, तो ये वाली चीज होती है कि अंदर ये चीज जेन्युइन है, जेन्युइन होता है ऐसे, इंग्लिश में भी होगा, सिक्स है तो बहुत काम करती है, मेहनत से आती है, मतलब नेचुरल भी होती है एकदम, लेकिन वो मेहनत से आ जाती है सिक्स। और बताओ लाइक नोटिफिकेशंस दूसरा एग्जाम्स का आता रहता है, बट आपका लाइक माइंडसेट कैसा रहता है? देखो भाई नोटिफिकेशन आता है तो पहली बात तो ये फाइनल कर लो कि आपको जैसे एसएससी की तैयारी करनी है, तो मैं यूं ना बोल रहा कि बैंक के एग्जाम में मत दो, एग्जाम दो पहली बात तो बैंक एग्जाम मतलब बैंकिंग पैटर्न के साथ ज्यादा होते हैं, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए तुम्हारा हर संडे को एग्जाम हो, ठीक है। और ये चीज नोट कर लेना, जैसे मान लो सब लगभग मैक्सिमम सीजीएल 2020 वाले होंगे मैक्सिमम सारे, तो यू नोट रख लेना अपने दिमाग में कि सीजीएल 2020 से पहले 10 या 15 दिन पहले कोई एग्जाम होंगे या 1 महीने के अंदर कोई एग्जाम होंगे, वो एग्जाम जरूर देने जाना सारे, किस लिए, सिर्फ एग्जाम हॉल में सेट होने के लिए, ठीक है। कोई नया एकदम सीधा मत करना कि एग्जाम मतलब मेरा टारगेट ही सीजीएल 2020 है तो मैं पेपर ही सिर्फ पहला बोल दूंगा, ऐसा मत करना। और एसएससी के तो हर फॉर्म भर देना, स्टेनोग्राफर की चाहे तुम्हें आगे स्टेनोग्राफी ना आती लेकिन पेपर तो दे सकते हो, यूं थोड़ी बोलेंगे भाई तेरे को नहीं आती तो पेपर मत दे, तो
पेपर हर एक का देके जाओ एसएससी, एसएससी के जितने भी फॉर्म तुम अप्लाई कर सकते हो सारे अप्लाई करो, सारे एग्जाम लेके आओ। और बैंकिंग में तुम्हें लगता है कि यार मेरे को एक्सपीरियंस की जरूरत है एग्जाम की, तो दो, किसी में ही होता है बैंकिंग के कई एग्जाम, बैंकिंग पैटर्न पे कई ऐसे एग्जाम आते हैं जैसे कि जिनके अंदर, जैसे बैंकिंग में क्या होता है कि रीजनिंग के लिए 25 मिनट स्पेशल, तो कई एग्जाम्स में नहीं होता है ऐसा कि मतलब ये होता है पूरा कंसोलिडेटेड होता है कि 200 क्वेश्चन है और इतने मिनट में करने हैं, वो सारे मतलब भर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तुम्हें उससे कुछ सीखने को मिलेगा, वो एसएससी की तरह में कोई ना कोई चीजें सिखा के जाएगा। दूसरी बात, हाँ उसके लिए कोई मॉक टेस्ट ये मत देना ना जाना कि यार मेरे 15 दिन बाद वो पेपर में, तो उसकी तैयारी करने लगे, तैयारी एसएससी की करनी है, पेपर देने जाना है बस वो, और पेपर देने जाओगे निकल जाएगा। मैंने बस यू टाइम, अब मैं ये समझो कर रहा हूँ तो मैं टाइम पास के लिए दिया था, मैंने वो मेरा वो हो गया था, जिस दिन उसका मेंस देने गया था उस दिन मैं इसकी माई पार्ट सलाह वाले की वीडियो देखते जा रहा था, मैथ्स की वो मेंस की वो करा रहा था प्ले लिस्ट थी उसकी, वो आने जाने में आधी खत्म कर दी थी। तो यू मतलब टाइम को इन्वेस्ट भी करना और मतलब फायदा उठा लेना उसका। दूसरा एफसीआई वाला दिया था वो भी मेरा मतलब उसमें भी पहली रैंक थी उसमें 2 BC में, तो यू ध्यान रखना है आपको कि सारे एग्जाम वही देने हैं जो एसएससी ओरिएंटेड हो और मतलब आपको आपके लक्ष्य से भटकाए नहीं, तो सोच लिया ना। और मैं इतना कहूंगा कि एक पोस्ट सोच लो, एक पोस्ट नहीं कुछ भी सोच लो, यूं तो ना हवाई के लिए मत बनाओ, जैसे धीरे 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 करके बढ़ेंगे, जैसे एकदम सीधा नहीं है कि अब तो नॉर्मलाइजेशन आ गए तो हम सीधा यूं सोचते हैं 200 में 200, रो स्कोर का टारगेट रख लो यार मेरे को इतने पे पहुंचना है, दूसरे को मत बताओ, अपने दिमाग में बिल्कुल ये रख लो कि सोते उठते बस वही देखो कि इस स्कोर के पास पहुंचना है, रो स्कोर पे देखो इस स्कोर पे पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, मतलब कुछ भी और कुछ भी, मैं ये बेवकूफी मत करना, ये बेवकूफी मैंने स्टार्टिंग में गुरुकुल मैच में बहुत की थी, लगभग यूं लगा लो संदीप सर ने यहाँ पे वो मेरे को क्यों बोलते थे, मैंने मैं तेरा सुबह उठने वाले टाइम में मतलब लेट उठाने वाले में लिख दूंगा ना जल्दी दस, तो एक सवा एक सुलाते थे वो, मैं 4 बजे उठ के चल देता था, भाई साहब कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा था अंदर लेकिन मैं भीड़ इकट्ठी करते जा रहा था, तो ऐसा मत करना, डिसिप्लिन पढ़ना पूरा, 6-6 घंटे की नींद लेके, 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद लेके, जितना टाइम है ना उसके अलावा बाकी पर कैंडिडेट पे है, कुछ लोग होते हैं जिनको आराम चाहिए होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको, अब मेरा यूं था कि अब मैं अगर मैं आपके साथ खड़े होकर 2 मिनट बात कर ली ना तो मेरे दिमाग में वो अब मैं पढ़ूंगा तो मेरी फिलोसफी चलती है, तो इसलिए मैं जानबूझ के मेरा टाइम चाहे मैं किताब में ना देख के मतलब फोकस नहीं कर पा रहा होता था लेकिन मैं जानबूझ के उस टाइम किताब को भी दे रहा होता था ताकि मेरे दिमाग में दूसरी बात बाहर से कुछ कूड़ा ना आ पाए, ठीक है, तो आपके ऊपर है जैसा आपको ठीक लगे। हाँ इतना बोल सकता हूँ कि गुरुकुल का जो शेड्यूल है ना अगर वो आपने रिलीजियसली 6-8 महीने फॉलो कर लिया तो आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे, मैं यूं नहीं बोल रहा आप लगे भाई साहब बुरा हाल कर दोगे लेकिन एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे आप सारे। और बताओ भाई देखो भाई एसपी बक्सी अपने पता क्या है कि अपनी फाउंडेशन अच्छी नहीं होती तो एसपी बक्सी को पहली बार उठाओगे तो बहुत टफ लगेगी, तो उससे पहले आपने चाहे एसके डमीवाल सर की उठा लो, कोई भी देसी जुगाड़ टाइप जो किताबें है ना जुगाड़ टाइप उनसे पढ़ लो ताकि कुछ वो कैब याद हो जाए, कुछ वो कैब से मेरा मतलब कहने का मतलब है कि लगभग आपका वो कैब कलेक्शन 1000-2000-1500 का हो गया ना एक बार, और एसपी बक्सी पढ़ ली ना अगर आपने, मैंने वैसे उसके अलावा बहुत चीजें पढ़ी लेकिन एक चीज का वो देख लिया कि अगर एसएससी खूब अच्छे लेवल पे जाएगा ना तो एसपी बक्सी का दूसरे और तीसरे पार्ट से आगे नहीं जाएगा वो कैब, दूसरा पार्ट उसका बड़ा अच्छा है उसको अगर दूसरे टाइम मिल जाए ना तो पहला पार्ट करने के बाद दूसरा पार्ट करो, दूसरे पार्ट उसके एग्जाम्पल भी मतलब लिख लेना साथ साथ, उसमें क्या है कि वर्ड है उसका मीनिंग है बस, टाइम मिले उसके एग्जाम्पल भी लिखो उसको बार बार पढ़ो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दूसरे तीसरे पार्ट से आगे कभी नहीं जा सकता है एसएससी, वो कहते नहीं इतनी डी एल वो 17 में गया था 17 में उससे बाहर नहीं जा पाया बी हाउंड बी अगली उस टाइम सारे सारे एसपी बक्सी के अंदर तो क्या जाएंगे अब हमें यूं थोड़ी है कि 200 ढोकना जरूरी है, नहीं कर सकते क्या होता है भाई एमबीसी नहीं कर सकते, देख भाई एमबी से मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कर सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है और आज के टाइम में बिल्कुल कर सकते हो जैसे अब दे रहा है, लेकिन मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मतलब जो चीजें क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फायदा करेगी ना वो सेंटेंस को बार बार चीजें रीड कर लेंगे, इसलिए मैंने ऐसे कुछ बोला था भाई, बाकी हर किताब अच्छी है यूं नहीं है, एमबी को यूं रखना कि एमबी को प्रैक्टिस मारो तो मजे के तरीके से मत मारना, एक तरीके से जैसे टेस्ट दे रहे हो ना वैसे एमबी को मारना है पूरा एक एक सेट उसका, हर चीज जरूरी है, यूं मत करियो कि नहीं तो सिर्फ पढ़ लो तो एमबी की जरूरत ना है, एमबी की तो आखिर में जरूरत पड़ेगी मतलब पक्का पड़ेगी शुरुआत से और आखिर तक पड़ेगी, मैंने तो 2 बार ही पढ़ी थी, दो बार तो पढ़ ली मतलब एक बार पूरी और फिर मेरे जो नोट्स जो टिक किए हुए थे ना उनकी रीडिंग तो उससे मेरे को लग गया था कि अब हो जाएगी। और जब नोट्स की आप बनाओ तो मैं अब मॉक यहाँ पे शुरू से स्टार्ट हो जाते हैं
ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही दो, धीरे धीरे करके आपकी नोट्स आप शुरू, अब जैसे अब मान लो कि मेरे को याद है अभी जब मैं मेंस में मेरे पुराने नोट्स देख रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था मैंने बनाया कि तो भाई साहब नंबर ऑफ डाइगोनल एन टू एन एन इन टू एन माइनस थ्री पॉइंट टू होता है, मेरे को वो भी नहीं आता था, एक्सटर्नल लेंथ 360 बटे मेरे को ये भी नहीं आता था, तो चीजें धीरे धीरे सीखी जाती है। तो हर एक चीज को अभी जो नोट्स बना रहे हो ना, मतलब जो टेस्ट के बाद जो जो क्वेश्चन नहीं होते हैं खासकर मैथ्स के, तो जरूर बना लेना। रीजनिंग का दिया कि 50 नंबर के लिए क्या क्या लड़ोगे, 250 नंबर का सवाल है इसलिए, तो 250 नंबर के लिए नोट्स जरूर बनाने हैं। और वो कैसे बनाने, यूनिट वाइज बनाते रहना, और जैसे मान लो जितनी बार नहीं, जैसे अलजेब्रा दोबारा पढ़ रहे हो अलजेब्रा को एक बार पुराने नोट से पढ़ लेना, उसके बाद और हर यूनिट को देखो, एडवांस मैथ की जितनी भी यूनिट पढ़ो ना एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ की खासियत देखो फॉर्मूला, ठीक नहीं फॉर्मूला जरूरी है, तो फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मान लो एक्स प्लस का 1/x इज इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर, ये चीजें स्टार्टिंग में याद नहीं होती है, तो एक फॉर्मूला टीचर ने सिखाया, तुम कहीं भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, एक चीज सिखाई है तुम्हें, तो उसको एक अलग से जब यूनिट स्टार्ट करो उसके साथ अलग से ए फोर शीट रखो, ये फॉर्मूला आया है तो उसको छोटे से भी लिख लो इतने से भी, अब वो ऐसा होगा कि मैक्सिमम दो पेज मिलेंगे आपके, अल्जेब्रा खत्म होगी तो आपके अल्जेब्रा की दो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दो से ज्यादा, अगर आपने सही सही लिखा है ना, तो वो दो शीट आपको इतना कुछ सिखा देगी, प्री के लिए तो वही शीट तैयार कर देगी कि फॉर्मूले फॉर्मूले, और वो फॉर्मूला क्योंकि आपने प्रैक्टिस के साथ वो फॉर्मूले लिखे हैं, अब जब तक वो अल्जेब्रा चलती रहेगी ना, जब तक उस पूरे दिन उस फॉर्मूलों को देखते रहो और उनको सामने चिपका लो, शीट आपकी लगभग लगभग फिक्स ही हो जाती है, यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह में बैठते हो भाई, रूम वूम में कहीं पे भी अपना फिक्स रख लो सीधा का सीधा, कि वो सारे फॉर्मूले पेस्ट करके रखो, उनको खूब जितना हो सके ना बार 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 रट्टे नहीं मारना, बार बार देखते रहो, चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाती है। और आज के टाइम में एसएससी मतलब इतना नहीं जा रही, लेकिन इतना है कि सिविल कमांड जरूर करना है ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री में ज्यादा फॉर्मूले इतने रट्टे मारने जरूरत नहीं है, खूब अगर अच्छा जाएगी 2017 जितना जाएगी तो सिमिलरिटी मांगेगी, और सिमिलरिटी आपको सीखनी पड़ेगी जो कि बार बार प्रैक्टिस से आएगी, तो प्रैक्टिस जरूरी है ज्योमेट्री में, चार फॉर्मूले इतने ज्योमेट्री नहीं आ पाएगी। और बता दो मेंसुरेशन, देखो भाई उसमें क्या है कि अब जैसे गगन वाला लेवल है, एक एग्जाम वाला लेवल है, और बीच में पवन राउत है, ठीक है, तो क्योंकि पवन राउत बोल देता है कि ये पेपर में नहीं आएगा, बस तुम्हारे काम आएगा, ठीक है, वो गगन भाई का लेवल ही अलग है, तो उसकी तो बराबरी होगी, ठीक है, आजकल तो गगन थोड़ा नीचे आ रहा है, उसको पता है कि बच्चे जैसे ये हुआ था 2018 का मेंस देने के बाद हमने हमारी सारी बड़े गगन पे निकाली थी, तो फिर उसने थोड़ा कंट्रोल से चीजें अच्छी पढ़ा रहा है, तो गगन में वैसे तो गगन बड़ा अच्छा टीचर है, मतलब क्योंकि अब वो 7-11-13 भी यूज कर रहा है, मैं मेरे को लगता है दूसरे टीचर को सीख लिया है उसने, दूसरा टीचर सब है नहीं, देख भाई 7-11-13 जो चीज है ना ये सच्ची में बहुत काम आने वाली चीजें, चीजें तुम आखिर में मेंस के टाइम पे तो खासकर काम आएंगी, ये चीजें ट्री में भी बहुत काम आएंगी, क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करना, और एक चीज का ध्यान रखना शुरू कर दो अभी से, जब किरण लगाना स्टार्ट कर रहे हो ना, एक चीज का ध्यान रखना कि ऑप्शन मतलब क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके साथ ऑप्शन भी पढ़ना सीखो, अपनी सबसे खराब आदत है अपन क्वेश्चन करते सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे स्टार्टिंग में तो मैं तो क्या करता था A4 शीट चौराहे बनाता था, मतलब यू करके चार को बना के क्वेश्चन के ऑप्शन तो यूं ढक लेता था, ऑप्शन कभी देखे ही नहीं मैंने, तो फायदा ही नहीं हो पाया उससे, बस होता ही करट लिया इतना इतना लंबा करके इतने में क्वेश्चन होता था, और वो आदत अब तक है, अभी मेरे को शीट दोगे तो पेपर में कम से कम 6-7 शीट लेता हूँ मैं, यू बार बार मांग मांग के कि भाई दे और भर गया, वो आदत हो गई वो छूटेगी नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन देखो उसके साथ ऑप्शन जरूर देखा करो चारों। और बताओ जवाब ही नहीं दे पाया से, देख भाई यूं है कि मेंसुरेशन में भी खूब 2017 में गए थे, तो ये वाली जो है ना ये सिमिलरिटी बेसिस ही होती है, कांटा बन रहा था हर जगह, ये गगन सिखाएगा कि हर जगह कांटा बनता है, और जहां कांटा बन गया ना वहां सिमिलरिटी लग जाएगी, वहां उत्तर आ जाएगा, ठीक है, और मेंसुरेशन में एक चीज का मेंसुरेशन में आज के टाइम में मांग रहा है 2017 में मांगी थी सिर्फ कैलकुलेशन कुछ नहीं है, और कैलकुलेशन की एक चीज याद रख लो 384 × 105 आणु चाहिए हमने, ठीक है, ये मतलब जो तीन वाली मल्टीप्लिकेशन इवन ये भी आनी चाहिए, वैसे 105 अब देखो आदत ऐसी डालो कि दिखना चाहिए 105 में 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल आंसर में हो सकता है, वैसे चेक कर लेना 2 में होता है ये चीज, मतलब हमने तीन तीन वालों को तो है तीन तीन में तोड़ सकते हैं, चीजें है नहीं समझ आया, अभी अभी गगन ने पहली बार सिखाया था अभी कल परसों, पहले उससे पहले जैसे यूं है जैसे मान लो 28 का क्यूब क्या था यार, मतलब भूले बैठा हूँ यार, अच्छा एक 1000 की ले लेते जैसे मान लो, तो ये तीन यहाँ तीन के वो बनते हैं और यहाँ तीन के बनते हैं, इसमें से घटता गगन ने सिखाया होगा पिछली वीडियो में, अभी थोड़े दिन पहले
तो यूं होता है कि तीन तीन में तोड़ के अल्टरनेट पेयर्स को जोड़ के और इन अल्टरनेट पेयर्स घटा दिए। तुम्हें अभी टफ लग रहा होगा, चीज बड़ी आसान होती है, एक में से एक गया जीरो, तो अभी जीरो आ गया तो इसका मतलब ये सात से भी जाएगा, ग्यारह से भी जाएगा, ये तेरह से भी जाएगा। पचास और नौ छह चौवन, चार बटे पचास गुना आठ। अब देखो यू करके दो का मल्टीप्लाएगा तो यू करके आंसर निकाल लिया तुम। यू अगर मान लो अगर गलती से एसपी पूछ रहा तो 118 नौ का मल्टीप्लाएगा आठ एक नौ। ये चीज पढ़ोगे ना, मैं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, और भाई गधे घोड़े वाली मेहनत, मतलब गधे घोड़े वाली मेहनत मतलब सोच समझ के करनी है, यू ना कि तुम सो एक लगे रहो। थोड़ा पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, लेकिन नींद जरूर अच्छे से लेनी है। उसके अलावा बताओ यार, और ये चीज का ध्यान रखना समझदारी से, जैसे हर जगह जहां पाई कट सकते हो वहां पाई काट ही, दोनों 22 फुट सब क्यों रखते हो हर, मान लो ये एक, ये तो पेट क्वेश्चन है कि एक स्फेरिकल क्यूब थी उसको चार स्फेरिकल क्यूब में बना दिया इनके वॉल्यूम का, या कुछ एक बड़ी स्फेरिकल को छोटी स्फेरिकल में बढ़ा दिया, बताओ इनकी संख्या कितनी है जिनमें बना है, तो वहां ये चीजें कट सकती है, चार बटे तीन पाई ये चीजें कट सकती है, तो आराम से सोल्व कर लिया करो, हो जाएगा। और बताओ सर, तो 2018 का प्रथम छोटा का बैच था पाठशाला में, हां भाई ये क्वेश्चन रेलेवेंट है क्या, क्योंकि रेलेवेंट नहीं है भाई, देख वो शायद रेलेवेंसी से काफी ऊपर है, सच्ची बताऊं रेलेवेंसी से काफी ऊपर है, नोट्स बना के उसके जो उसके प्रश्नों को रिवाइज करना चाहिए। नहीं भाई देख, अगर तू आपने पढ़ रखे ना तो वही है जो है, उसके अलावा बाकी कुछ मत पढ़ो, वही पढ़ो, क्योंकि वो लेवल इतना है, अगर वो कर लिया तो छोटे मोटे एग्जाम भी निकल जाएगी। हाँ बस ये स्पीड पे आ जाएगा कि आपने जैसे आपने किरण सोल्व किया उसके साथ साथ, मतलब प्रीवियस ईयर सोल्व किया, अब स्पीड बन गई आपकी। नहीं भाई तो प्लीज एक बार किरण या किरण, मैं किरण किरण स्पेशली नहीं बोल रहा, चाहे राग शब्द मार लेना चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर बुक मार लेना, ठीक है। लेकिन आपने इतनी मेहनत की है उस थोड़ी और कर लो, उसके लिए चीजें हो जाएंगी। हाँ भाई एस आई सी आई यार, देख पहले का था एस आई सी आई, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते थे एस आई सी आई में, दो साल तीन साल, आज के टाइम में बस कुछ नहीं है, पांच फाइव मंथली पूछ लेगा, एट मंथली पूछ लेगा, तो ये बस यूं है कि इन पे हमारी प्रैक्टिस नहीं है, फाइव मंथली एट मंथली पे उन पे तो प्रैक्टिस है, ट्री बनाया ये हो गया, इन पे जितना इन पे टाइम दोगे उतना ये चीजें होती चली जाएंगी, टफ नहीं है भाई, बस टाइम टेकिंग है, ये मैं मानता हूँ टाइम टेकिंग है, कि अब ये मैं बोल रहा हूँ इसीलिए यूँ करो कि 2019 से पेपर उल्टे मारने स्टार्ट करो सारे। अब मान लो तुम्हारे पास कितना खूब रेट की होगी 2018 वाली होगी, मैं यूँ नहीं बोला नई खरीद लो, छोटी छोटी नई बुकलेट ले आओ जिसके अंदर 2018-19 के पेपर यूनिट वाइज, तो पहले वो कर लो, पहले 19 वाले करो, उनके अंदर तुम देखो कि सीआर के क्वेश्चन ही ऐसे आए हैं सारे, मतलब टीसीएस में आने के बाद से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन छोड़ दिए लगभग उसने, ठीक है। और आजकल मैंने ये चीज नोट की है, इसमें इंस्टॉलमेंट पूछ रही है तो बस एक ये पूछती है, ये तो टीसीएस, इसके अलावा इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन ही नहीं पूछती, ये बराबर करना होता है इसको करो, या तो ये दे देंगे या ये दे देंगे, इनसे मतलब इसी के बाहर नहीं जा रही है, जो सीखी थी वो बाहर जाती थी क्योंकि हमने पढ़े थे, बाकी मैं इतना भाई ध्यान से दिया नहीं होगा क्योंकि उसके बाद 2018 बट तैयारी से छूट नहीं होगी। और बताओ भाई सीएसएल कैलकुलेशन के लिए, भाई देख कैलकुलेशन तो बनाने से ही बनेगी, और इतना है टाइम दे दिया करो भाई कैलकुलेशन को, थोड़ा दिमाग दिमाग से दे दिया करो, थोड़ा पेन पेपर पे दे दिया करो, बहुत काम हो जाएगी। पेपर देते हैं तो क्वेश्चन जो गलत होते हैं उसका हम लिखते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है हां उसके लिए आप लिखते रहिए कि नहीं, दो बार उसको फिर से मतलब वैसे ही कर लो, जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना तो दो बार कर, एनालिसिस में जितना टाइम दोगे ना कंस्ट्रक्टिव टाइम दोगे ना, ये तो है नहीं यार यो क्वेश्चन बताने, तो उसमें कोई फायदा नहीं, खुद से जितना करोगे ना उतना ही फायदा होता चला जाएगा एनालिसिस में। से मान लो कोई लेंथी से क्वेश्चन आ गया, मान लो ये आ गया, ये मतलब यूं इसमें करके ये 30 डिग्री बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, यूं करके कोई, तो इसको जितना खुद टाइम दोगे दो बार खुद कर लिया ना, और आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन हो गया था लेकिन टाइम लगा था, अब एनालिसिस करते टाइम इसको दो बार और करो आपसे हो जाएगा।
ट्रिग्नोमेट्री भाई देखो 2019 की जितना मेरे को पता है 2019 की कैसी आई है कि 2017 की कैसी थी कि जिसकी फॉर्मूले पे कमांड और समझदारी पे कमांड है ना समझदारी जो अभिनय वाली समझदारी होती है यार जब हर जगह माइनस अल्फा फ्री में लगा रखा था ढाई दोनों माइनस अल्फा पर जगह ठीक है तो वो एक तो वो समझ 2017 में एक आज के टाइम में जो आ रही है वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं आ रहे इतने लोग बोल रहे हैं वैल्यू पुटिंग से सोल्व हो रहे हैं दूसरी बात बस यूं हो रहा है कि साइन बाहर है तो साइन को अंदर लेके जाना है एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्यों बनाया हर चीजें उठा उठा के दूर दूर रख दिए कि साइन है इनटू अंदर लग दिया सीकेंट माइनस टेन है तो उन चीजों को अंदर लेके जाओगे नहीं जितना टाइम दोगे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो रहे हैं सारे एग्जाम करने वाला भी यही होता है ट्रिको को यार मैं फिर बोलूंगा तो आप पे डिपेंड करता है एक मैं बोल रहा हूँ ना कोई भी टीचर कर लो आज के टाइम में सारे टीचर अच्छे हैं सबने इतना टाइम दे दिया है कोई भी चाहे गगन ले लो चाहे अब राकेश यादव सर ले लो राकेश यादव सर के तुमने नोट्स पढ़े हैं नोट्स तो उनके बड़े अच्छे हैं भाई नोट्स की तुम्हें की नोट्स की ऑर्डर नहीं सकती बाकी मैंने किसी के नोट्स में पढ़े नहीं है लेकिन मैं यूं ही बोलता हूँ मेरे को आप तैयारी करने की बोलोगे ना मैं दो चीजें जरूर पढ़ता हूँ एक मेरे नोट्स एक राकेश यादव वाले नोट्स वो दोनों नोट्स जरूर पढ़ता हूँ और सारों को सारों को बोलूंगा कि किसी और टीचर के नोट्स पढ़े लेकिन खुद के नोट्स के अलावा मतलब एक बार देखो यूं होता है कि खुद के नोट्स पढ़ लिए किरण पढ़ लिए किरण पढ़ने से क्या हो गया हाथ बैठ गया स्पीड बढ़ेगी ठीक है अब जब दूसरा रिवीजन आ रहा है ना तो खुद के नोट्स पढ़ो फिर क्या करो किरण के अंदर जो क्वेश्चन नहीं आए थे जिसमें टाइम लगा तुमको हाईलाइट जरूर किया करो वो क्वेश्चन कर लो उसमें टाइम लगा उसके बाद उठा लो तीसरे टीचर के नोट्स और ये चीज रियलिटी में है कि कोई भी एक टीचर कभी भी 100% सिलेबस नहीं कवर करवा पाता है वो 60-70% जा पाता है उसके अलावा 10-20% आपको दूसरे टीचर को सीखना पड़ता है बाकी 10% मॉक काम करती है मॉक से आपको मतलब जो बनाओगे ना एनालिसिस के बाद नोट्स वो काम आएंगे और बताओ मॉक देखो भाई मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है हर चीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है लेकिन जवाब ढंग से देने जाते हैं मॉक्स में क्या है कि पहली बात तो मॉक्स इतने दे लो मतलब यूं नहीं है कि डेली 3 मॉक दो लेकिन दिन में 1 मॉक दो अल्टरनेट डे पर मॉक दोगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसा हो जाएगा कि अब एग्जाम फेल हो गए तो आपको यूं कोई बीच में रोक देना आप उठ के बता सकते हो कि अभी 22-25 मिनट के बीच टाइम बच रहा होगा और सच्ची में उतना ही बच रहा होगा वो सारी चीज आई प्रैक्टिस से ठीक है दूसरी बात मॉक का फायदा तभी एनालिसिस ये को हर इंसान बोलता होगा और सच्चाई है भाई मॉक का फायदा तभी है जब एनालिसिस हो फालतू के जो फसड़े वाले मॉक है वो हार्ड लेवल वाले को देना मत कोई फायदा नहीं है और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको देख को जैसे मान लो मॉक में भी यार एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल देते जो बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं मतलब कैलकुलेटिव मतलब जो क्वेश्चन आपको देख के यूं लगे ना कि यार ये क्वेश्चन मतलब पेपर में आ गया और मतलब अब मैं सीख भी लूंगा और फिर भी पेपर में आ गया फिर भी मैं 5-7 घंटे में ना कर सकता तो वो क्वेश्चन मत सीखना मतलब उस क्वेश्चन का एनालिसिस छोड़ देना कोई फायदा नहीं है उसका एनालिसिस और मौका जैसे आप अभी अपने हिसाब से सेट कर लो कि आप मतलब जैसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट कर पा रहे हो तो अच्छा स्कोर आ रहा है ये इंडिविजुअल होता है कि अब जैसे मेरा एक दोस्त है वो रीजनिंग से स्टार्ट कर कभी नहीं आया मैथ से स्टार्ट करने लगे अब अच्छा स्कोर आ रहा है उसका तो अब ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो और मॉक मतलब ऐसे टाइम पे दिया करो अपना यहाँ पे तो फिक्स शेड्यूल है भाई मॉक का हाँ तो उस टाइम मॉक अपना सारे दिया करो एनालिसिस अच्छे से किया करो उसका एनालिसिस में मतलब 1-2 घंटे पूरे इन्वेस्ट किया करो अच्छे से मैथ्स और इंग्लिश का तो खास कर और बताओ भाई स्किप कैसे करें क्या भाई स्किप देख भाई स्किप का हैं नहीं नहीं यार इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं हो सकते तुम लोग हंसे फालतू में देख भाई स्किप में यूं है कि एक ऐसी आदत डाल दो यार कि मतलब क्वेश्चन देख के आपको जैसे ये चीज प्रैक्टिस से आएगी यार स्किप करने की प्रैक्टिस से आएगी कि ये जैसे क्वेश्चन लेंथी होने की वजह मतलब जितनी लंबी जो स्टेटमेंट है उसकी वजह जरूरी नहीं है क्वेश्चन मतलब आपको स्किप करना चाहिए स्किप करना होता है जैसे मान लो आपको लग रहा है कि 10.5 आ रही है या 13.5 आ रही है आपको लग रहा है ये कटेगा नहीं कहीं पे ये मतलब 7 से मतलब जैसे (13.5)(13.5) करना है कोई ऐसा आ गया कि मतलब क्यूब में है 4/3 πr³ लगाते हैं हम तो रेडियस कहीं 13.5 देगी अब ये तो पूरा टाइम खाएगी तो इसको स्किप कर सकते हो लास्ट में कर सकते हो या वरना ये है 9 का मल्टीपल जाएगा 5, 3, 8, 1, 9 है डिजिट सम 9 है तो आखिर मान से चेक कर सकते हो दूसरा ये 22/7 है तो इसमें 11 है तो 11 का भी मल्टीपल होगा जैसे 7, 11, 13 काम आते हैं तो यूं भी हो सकता है और कैलकुलेशन अब आज के टाइम में पता क्या कर रही है टीसीएस दो ऑप्शन ऐसे दे दिए सेम ठीक है हर क्वेश्चन में तो नहीं है भाई
मुझे हर क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन एक दो में तो है, मतलब उनकी जानबूझ के उन्होंने जानबूझ के उठा उठा के दिया। 11 का मल्टीपल तो पक्का पक्का दो डिजिट सम वाला एग्जामिनर बना रहा है, डिजिट सम वाले क्या करेगा, मान लो 2, 3, 5, 1 है, डिजिट सम का क्वेश्चन का आंसर वो बदलना है ना, तो 1, 5 कर दो बस, एग्जामिनर को करना ही क्या है, डिजिट सम इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, बच्चा तो फंस गया यहीं पे, तो उसमें इतना वो नहीं होता। तो डिजिट सम वगैरह वैसे काम आती है लेकिन मतलब सोली डिपेंडेंट इन पे नहीं होना है, पहले हमें कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए और ये चीजें बहुत मतलब ये चीजें अगर सीख लोगे ना तो टाइम बचाती है, रियलिटी में बचाती है। और बताओ भाई, और पेट मेथड कभी मत भूलना अपना, पेट मेथड जैसे मेरा ये जैसे मैं रेशियो में करता हूँ तो 5:1 है, 7 साल पहले यूं था, 7 साल बाद यूं था, फिर मान लो कितना हो गया 3:1 हो गया, तो मैं अभी पेट मेथड मेरा ये 14 गुणा का बटेगा 5 × 5 = 3 × 3 तो बटेगा 2 और गुणा का 2 तो 14 ही आएगा, 14 × 5 = 70, 14 × 14 ये मेरा पेट मेथड, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा, आखिर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं यही लगाऊंगा फिर, मतलब कुछ भी मेरे को अगर अंतर पंतर ना आए ना वो अंतरे पंतरे ट्रिक ट्रिक तो आखिर में ये तो मेरे से लग जाएगा, और उस ये भी ना आया तो भाई अपना एक्स मान के तो करना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है। और बताओ दो 3 मिनट जब भी कंप्लीट होगी ना आपकी, उसके बाद ऐसे किसी रख लो कि 1 घंटा रिविजन का, ठीक है, रिविजन नोट्स प्लस का जो क्वेश्चन मार्क है। अब इससे क्या होगा कि देखो नई यूनिट सीखते ना तो टाइम लगता है, 1 से 1.5 कर लेना, लेकिन सबसे बोरिंग काम ये लगेगा आपको, अब नई चीज सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत मन भी करेगा, ये बोरिंग काम लगेगा लेकिन ये करना पड़ेगा, और ये जो बंदा कर गया ना मतलब वो, उसको मतलब वो है कि वो 6-7 महीने में पूरा मैथ कवर कर जाएगा, 6-7 महीने में आराम से। और जो बंदा यूं है कि भाई मैं तो पहले ज्योमेट्री पढ़ूंगा फिर मैं मेंसुरेशन पढ़ूंगा फिर मैं ये पढ़ूंगा फिर मैं ये पढ़ूंगा, वो जब तक ट्रिक को पहुंचेगा तो ज्योमेट्री साफ हो चुकी होगी दिमाग से, वो ध्यान रखना कि मतलब एटलीस्ट अपने नोट्स तो याद रख लो, चलो प्रीवियस ईयर फिर से नहीं पढ़ोगे, मार्क क्वेश्चन जो मार्क किए वो भी नहीं पढ़ोगे ना, एटलीस्ट अपने नोट्स तो रख सकते हो ना कि भाई नोट्स तो पढ़ो ना, 1 घंटा स्पेशल उसके लिए रखने हैं। और बताओ भाई, एक ये प्रीवियस ईयर होने के बाद जो ये अलग अलग बुक आती है जैसे अभी नहीं आती एडवांस में आती है आगे से आती है एडवांस, वो करनी है या नहीं? देख भाई तू मतलब आपने अगर मतलब एक बार पढ़ना हो अभी नहीं जो आप बोल रहे हो ना लेकिन एडवांस में उसको पढ़ोगे ना तो वो 90% पूरी प्रीवियस ईयर ही है। अरे टीचर खुद कहां से कितने नए क्वेश्चन, किस टीचर के पास इतना टाइम होगा, वो एक ही क्वेश्चन नया बना देगा, वो रियल में आप जैसे मान लो यूट्यूब पे कोई आएगा ना तो देखना वीडियो स्टार्ट करते ही पहले 4 क्वेश्चन टफ दिखाता है आदमी जानबूझ के, उसके बाद अपनी वही गधा घोड़ी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यही है कि क्वेश्चन मेन सारा प्रीवियस ईयर ही है, और हमेशा यूं ही रखो कि मतलब ना कम में सेटिस्फाई ना बहुत ही ज्यादा में सेटिस्फाई, नॉर्मलाइजेशन फायदा कर देता है इतना, मतलब आसान आ जाएगी तो सारे करिए, जैसे आज वाले तो लगभग सभी ने बताते बैठे तो आसान आएगी तो आप करके आ जाओगे, और टफ आई तो खूब मतलब लगा लो 25 में 20-22 भी करिए है ना तो नॉर्मल इतना ऊपर कर देगा कि भाई साहब आसान से तो साहब बहुत फायदे पहुंच रहा है। और बताओ मैं अगर देखो तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो अगर मैं उससे ढंग का जवाब ना दे पाऊँ ना तो बोल दिया भाई आप भी सेटिस्फाई हो, क्वेश्चन दोबारा से बोल दो मैं उसका जवाब फिर से दूंगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इतने लोग जब सामने बैठते हैं ना तो आदत मेरे साथ ऐसे ही होता है कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं क्वेश्चन ही भूल जाता हूँ इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, तो फिर से किसी को अगर सेटिस्फैक्ट्री ना लगा तो फिर से जवाब दे दूंगा। जरूरी नहीं है पर अगर आपके पास टाइम है और हिम्मत है तो जरूर लगाने। प्रिपरेशन में जैसे संडे को वीडियो वगैरह देख लो, मौक दे रहे हो देख लो, वैसी चीजें मत पढ़ो जैसे जो डेली नॉर्मल पढ़ रहे हो ना वो थोड़ा मौक दे रहे हो दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो मतलब देख रहे हो नॉर्मल किसी टीचर की वीडियो देख लो, उसका वीडियो कंटेंट देख लो मतलब मैथ का, तो ये चीजें काम आती है, लेकिन मतलब बोरिंग मत होने देना, और नाचने कूदने का मौका मिले ना यहाँ पे तो उस दिन तो मतलब कसे ही मत छोड़ना, उस दिन भी छोड़ लेना भाई साहब 15 दिन अगले 15 दिन की वो ले रहा हूँ एनर्जी सोने नहीं देते पहला मार दे मारो सिटी नहीं तो सोते कितने बजे भाई 12:30 मतलब आप सभी को 12:30 बजे बजाते हैं तो 12:30 होता है।
12 बजे तो छुट्टी ही होता है, रूम में जाते जाते 12:30 बजे उन्होंने कहा था ना तो मैं लंच तक इतना टूट जाता था पूरी तरीके से कि वो यूं बोलते थे कि मैं यूं होता था, सच्ची बता रहा हूँ कि बिस्तर में आया आते गिरूंगा और मैं सो जाऊंगा, सच्ची में मैक्सिमम 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, मेरे दिमाग में रील सी घूमती थी, मैंने 178 सोच रखा था, अब तो बोल सकता हूँ, अब तो मतलब आगे मैंने 178 सोच रखा था, 178 रील भी घुमाता दो तीन बार दिमाग ट्री का स्कोर भी वो रील घूमती थी, बस फिर आराम से नींद आता ये रील घूमने लगी तो भाई नींद ना आवे पढ़ के थकोगे तो हो ही जाएगा और बताओ देखो 6 महीने से जेल के, तो अब क्या अप्रोच होने चाहिए भाई, ये इंडिविजुअल आपने शुरुआत कौन कर रहा है, देखो इतना मैं कह सकता हूँ कि आज से शुरुआत करने वाला भी बंदा आराम से सीजे निकाल सकता है, और भाई जो इसने पहले से कर रखी है वो अब ढीला पड़ गया तो उससे कहा निकलेगा, तो सारा खेल बस डे टू डे का है, एक एक दिन वो करो, हाँ छुट्टी वाले दिन मौज लो चाहे कुछ भी करो, बाकी 6 दिन ठोक दो।